हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एनके फार्मेसी नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के मेडिसिन रिव्यू के वीडियो में डॉक्सिनेट टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। क्या ये टैबलेट्स रहती हैं, किस तरह से फ़ायदा करती हैं, किन किन कंडीशन में इनको यूज़ किया जाता है, कब कब हमारे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, साथ ही क्या क्या इनके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक कंप्लीट वॉच करें। साथ ही दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि आने वाले मेडिसिन रिलेटेड सभी नए वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो मनीष फार्मास्यूटिकल्स द्वारा मार्केट किया जाने वाला प्रोडक्ट है। ब्रांड नेम की बात करें तो डॉक्सिनेट के नाम से मार्केट में सभी फार्मेसी स्टोर्स पर ईजिली मिलती हैं। MRP की अगर हम बात करें तो 229 रुपये MRP मेंशन है। लगभग आपको 220 रुपये में सभी फार्मेसी स्टोर पर ईजिली मिल जाता है। और गाइज, हो सकता है समय के बदलाव के साथ साथ इसके रेट में कहीं आपको अप डाउन देखने को मिले, तो जहाँ भी आपको सस्ता मिले आप इसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट 10 mg, इसके अलावा पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg रहता है। तो इस तरह से इसका कुछ कंपोजिशन रहता है। दोस्तों, इसमें डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है जो एलर्जी के सिम्टम्स को रोकता है। हिस्टामिन एलर्जी के सिम्टम्स को रोकने या ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन B6 होता है जो बॉडी में ज़रूरी मात्रा में विटामिन सप्लाई करता है। गाइस, बात करते हैं इसके मेन यूजेस की। इसे आप मॉर्निंग सिकनेस में ले सकते हैं, मतली की समस्या होने पर ले सकते हैं, या इसके अलावा जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन को बार बार वॉमिटिंग होती है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को बॉडी में जब विटामिन B6 की डेफिशेंसी हो जाती है, तो विटामिन B6 की डेफिशेंसी होने पर भी इसे यूज़ किया जाता है, हमारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, और साथ ही साथ एलर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेस, बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। मोस्टली इन टैबलेट्स का यूज़ प्रेग्नेंट वुमेन वॉमिटिंग वाली कंडीशन में करती हैं, यानी कि जब भी उनको मतली उल्टी जैसा होता है या फिर उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो इन टैबलेट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं। उनको डॉक्टर्स ये टैबलेट्स प्रेस्क्राइब भी करते हैं। तो गाइस, जब भी किसी महिला को प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको उल्टी या मतली जैसा मन होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये यूज़ की जाती हैं। काफ़ी अच्छा फ़ायदा उन महिलाओं के लिए ये टैबलेट्स करती हैं। तो दोस्तों, ये इन टैबलेट्स के कुछ फ़ायदे और यूजेज़ की बात रही, बात करते हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट की। यदि किसी महिला में होते हैं तो वो क्या हो सकते हैं? घबराहट होना, चक्कर आना, हेडक भी हो सकता है। इसके अलावा नींद की कमी हो सकती है, यानी कि नींद कम आना। इसके साथ ही डायरिया की समस्या हो सकती है, चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। तो ये कुछ अनवांटेड से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो इन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी किसी पेशेंट में, किसी महिला में होते हैं तो इन टैबलेट्स का यूज़ बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जा सके। बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस में गाइस, यदि आप किसी और बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आपको लीवर या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तब आप इन टैबलेट्स का यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही इन टैबलेट्स का यूज़ करें। इसके अलावा आपका कोई और ट्रीटमेंट भी अगर चल रहा है, तब भी आप इन टैबलेट्स का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर से कर लें, जिससे कि डॉक्टर आपको बेस्ट सजेशन दे सकें। गाइस, डोज़ की बात करें तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं नॉर्मली इन टैबलेट्स का यूज़ वॉमिटिंग होने पर यूज़ करने की सलाह देते हैं। यदि किसी महिला को वॉमिटिंग बार बार होती तो वो दिन में 2 टैबलेट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी जिस तरह से आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आप उसी तरह से डोज़ को लें तो बेटर है। किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल वीडियो को देखकर ना करें। सेल्फ मेडिकेशन आपकी और आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए प्रोवाइड्स कराए जाते हैं, वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। तो गाइज़, ये था आज का डॉक्सिनेट टैबलेट का कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक करके अपने रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए मेडिसिन रिव्यू के वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, धन्यवाद।